नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पादपों में खनिज पोषण। ये वीडियो बायोलॉजी के बच्चों के लिए है, खास करके क्लास 12th के लिए। जैसा कि कहा गया था आपको कि क्लास 12th की बॉटनी जो है वो हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका ही हम कह सकते हैं कि शुरुआत कर रहे हैं। ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 8 के नाम से आपको मिलेगा, ठीक है। और इस चैप्टर का जो नाम है वो है पादपों में खनिज पोषण। इस चैप्टर को हम मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम वीडियो बनाकर ये जो चैप्टर है ये जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मुख्य रूप से हमको इस चैप्टर में ये समझना है कि पोषण क्या है और वो पादपों के लिए किस तरह से आवश्यक है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आ जाती है वो आ जाती है पोषण की। पोषण का एक तरीके से अगर हम सरल शब्दों में समझना चाहें तो पोषण का सीधा सा तात्पर्य हो जाता है भोजन। किससे इसको लगा लिया जाता है अंदाजा? भोजन से। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? इससे सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी जो जीव है वो अपनी वृद्धि के लिए, अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, शारीरिक आवश्यकताओं को, चाहे वो वृद्धि हो, विकास हो, शरीर के अंदर अंगों का विकास हो, उन सब के लिए उसे बाहरी, मतलब कि अपने शरीर के बाहरी वातावरण से कुछ ना कुछ पदार्थों को शरीर में प्रवेश कराना पड़ता है ताकि उसकी जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। तो वो जो बाहरी वातावरण से जिन पदार्थों का प्रवेश होगा वो सभी पोषण की श्रेणी में आते हैं, और जिन पदार्थों का प्रवेश कराया जाता है उन्हें कहा जाता है पोषक पदार्थ, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह हो गई कि शरीर को अच्छे से चलाने के लिए, शरीर की ग्रोथ के लिए जो ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा जो है वो हमें मिलेगी जब हम बाहर से पदार्थों को शरीर में प्रवेश कराएंगे भोजन के रूप में। किसके रूप में? भोजन के रूप में। तो वो सभी जो है वो पोषक पदार्थ कहलाते हैं। अब बात यह आती है कि ये पोषक पदार्थ जो हैं ये कार्बनिक पदार्थ के रूप में भी हो सकते हैं और अकार्बनिक पदार्थ के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों ही श्रेणियों के पोषक पदार्थ काम में आते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जितने भी हैं उनको हम साधारण रूप से खनिज पदार्थ भी कह देते हैं, और यहीं से ही आपका जो चैप्टर है उसका नाम पड़ा है पादपों में खनिज पोषण। अब हम सभी जानते हैं कि पोषण के जो आधार है इस पर भी हम जीवों को कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो पोषण के आधार पर जो जीव है इनको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, और ये नाम आपने बहुत ही सरलता से सुने हुए होंगे, जिनमें पहला जो नाम आता है वो तो आता है स्वपोषी और दूसरा नाम आता है परपोषी। स्वपोषी जो जीव होते हैं इनको अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, अर्थात ये कार्बनिक भोजन जितना भी है वो सभी स्वयं ये बना सकते हैं। केवल इनको अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है जो कि भारी वातावरण से आसानी से प्राप्त हो जाता है, जबकि परपोषी जीव वो जीव होते हैं जिनको अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से, या कहें कि परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, किन पर निर्भर रहना पड़ता है? स्वपोषी जीवों पर। इन्हीं से ये अपने भोजन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये एक बहुत ही सरल सी इसमें परिभाषा है, लेकिन हमें ये क्यों जानने की आवश्यकता है? हम इसे इसलिए जान रहे हैं क्योंकि स्वपोषी जितने भी जीव हैं इनमें सभी पादप आ जाते हैं, या मैं बात करूं कि सभी क्लोरोफिल युक्त पादप। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी सहायता से ये भोजन आसानी से बना लेंगे। देखिए, थोड़ा सा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, हम धीरे धीरे जो है वो उन्हीं चीजों की ओर फिर फोकस करेंगे। अब स्वपोषी जीव के बारे में हमने इतना समझ लिया, अब हम समझते हैं कि इसका इस चैप्टर से क्या लेना देना। देखिए, जैसे कि मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था स्वपोषी की, कि भाई ये जो है ये कार्बनिक पदार्थ तो स्वयं बना सकते हैं, परंतु अकार्बनिक पदार्थों के लिए इनको वातावरण पर निर्भर रहना पड़ेगा, और अकार्बनिक पदार्थ का सीधा सा मतलब हो गया खनिज। अकार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या हो गया? खनिज पदार्थ। इसका मतलब इनको भारी वातावरण से खनिज पदार्थों को क्या करना पड़ेगा? अवशोषित करना पड़ेगा, और ये अवशोषित करने की वजह से ही, वो किस प्रकार से उनका अवशोषण करेंगे, फिर जब वो शरीर में प्रवेश कर जाएंगे तो वो उनके क्या क्या काम आएंगे, उन सब को
हम इस चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे। भोजन पादपों की खनिज पर निर्भरता को बताने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने जो है इस अपने अपने मत जो है वो इसके बारे में दिए थे। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दो वैज्ञानिकों का नाम मैं यहां पर लेना चाहूंगा जिनमें जिन्होंने इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किया था, जिसमें सबसे पहले जो वैज्ञानिक आते हैं 1804 जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट से एक तरीके से जो है वो इसके बारे में बताया, और वो थे डी सॉसर। इन्होंने 1804 में इसके बारे में बताया और इनके कुछ वर्षों के पश्चात, इसका मतलब 1860वीं ईस्वी में एक दूसरे वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था वॉन सैक्स। डी सॉसर और वॉन सैक्स इन दोनों ही वैज्ञानिकों ने कुल मिलाकर जो खनिज पदार्थों की निर्भरता है इसके बारे में कई विधियां बताई जिनकी सहायता से हम ये जान सकते थे कि खनिज जो पदार्थ हैं वो पादपों के लिए कितने आवश्यक हैं और या नहीं है। अब खनिज पदार्थों की निर्भरता के क्रम में कई सारी विधियां प्रचलित हैं जिनकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा खनिज किसी पादप के लिए कितना आवश्यक है और कितना आवश्यक नहीं है। तो हम अब उन विधियों को समझने की कोशिश करेंगे कि वो विधियां कौन कौन सी हैं जिनकी सहायता से हम उन खनिज पदार्थों की जो आवश्यकता है उसको समझ सकते हैं। अब आप देखिए इधर कि खनिज पदार्थों की आवश्यकताओं की जो विधियां थी, मतलब कि जिनकी सहायता से हमें इस चीज का पता चलेगा कि कौन कौन से खनिज पदार्थ आवश्यक हैं, तो इसके लिए मुख्य रूप से तीन विधियों का संचालन किया गया है, या मुख्य रूप से हम बात करें तो ये तीन विधियां प्रचलित हैं, जिनमें सबसे पहली विधि आती है पादप भस्म का विश्लेषण, दूसरी विधि आती है बालू संवर्ध प्रयोग, और तीसरी विधि आती है जल संवर्ध प्रयोग। इन तीन विधियों की सहायता से हम इस चीज का पता लगा सकते हैं कि कोई खनिज पदार्थ की कितनी मात्रा किसी पादप में उपस्थित है, या कितनी ज्यादा मात्रा उसको चाहिए या कम चाहिए, उन सब चीजों का इसमें पता लगाया जाता है। अब हम सबसे पहले समझते हैं जो पहली विधि है जिसका नाम है पादप भस्म का विश्लेषण। इस विधि के अंदर मुख्य रूप से किया क्या जाता है कि एक पौधा लेते हैं और ये जो पौधा है इसे 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताजा पौधा मूल युक्त समूल जो पादप है उसको उखाड़ करके नमूने के रूप में, और इस पौधे को 2 से 3 दिनों के लिए ओवन के अंदर 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। जब हम इसे 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो इसके अंदर जितना भी जल होता है वो सभी वाष्पित हो जाता है। इसका मतलब वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वो भाप में बदल जाता है। अब जो है वो शुष्क भार बसता है, उसे नाप लिया, उसे तोल लिया जाता है, उसका वेट कर लिया जाता है कि इसका कितना वजन है कुल। उसके पश्चात उसे दोबारा से, अब इसमें बचा क्या, जब उसमें से जल निकल जाता है तो उसके बाद में कोशिका भित्ति, पॉलीसैकेराइड्स, ग्लूकोज, ये सभी जो पदार्थ हैं वो पादप के अंदर बचे हुए रह जाते हैं। फिर दोबारा से इसी पादप को 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं हम इसे? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए दोनों स्टेप याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेप में 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया गया था, और सेकेंड स्टेप में इसे गर्म किया जा रहा है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब इसे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो इसमें जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ? कार्बनिक, ये सभी जो हैं ये CO2 के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में वायुमंडल में चले जाते हैं, और जो शेष पदार्थ बचे रह जाते हैं वो सभी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, और ये जितने भी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं यही उसके खनिज पोषक पदार्थ कहलाते हैं, जिनकी मात्रा के अध्ययन से हम इस चीज के बारे में पता लगा सकते हैं कि उनकी आवश्यकता कितनी ज्यादा है और कितनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब इस विधि की भाई बहुत सारे फायदे भी हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है, सबसे पहला अगर हम इसके नुकसान, फायदा ये है कि हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा खनिज पदार्थ है, लेकिन कमी क्या है? कमी केवल यही है इसकी कि हमको केवल ये पता चलता है कि कितने खनिज पदार्थ इसमें हैं, उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्या वो जरूरी है या नहीं है पौधे के लिए, उन सब चीजों का निर्धारण हम इस विधि के द्वारा नहीं कर सकते। कौन सी विधि? पादप भस्म का विश्लेषण विधि के द्वारा उनकी जो मात्रा आवश्यकता है और अनिवार्यता है उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि की जिसका नाम है बालू संवर्ध प्रयोग। यह विधि क्या है?
इसके बारे में अब हम समझते हैं। इस विधि में मुख्य रूप से करते क्या है बालू संवर्त प्रयोग में कि जितने भी पौधे हैं उनमें पोषक पदार्थों की अनिवार्यता का अध्ययन करने के लिए उन सभी पौधों को रेत या कहें कि बालू उसमें उगाया जाता है। अब इसके स्टेप आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये हमारी पहली विधि कंप्लीट हुई, अब हम दूसरी विधि समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बालू संवर्त प्रयोग जो विधि है इसमें होता क्या है। देखिए इस विधि में करते क्या है, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि पौधों को हम किस में उगाएंगे, बालू या रेत में उगा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये रेत किस प्रकार की होगी, तो देखिए इस रेत को सबसे पहले HCl, HCl का मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी सहायता से इसको धोया जाता है। धोने से फायदा क्या होगा कि बालू या रेत के अंदर जितने भी पोषक पदार्थ पहले से उपस्थित होंगे वो सभी पोषक पदार्थ HCl से सफाई करने पर नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या करते हैं, इस HCl के पश्चात इस रेत को जो HCl से साफ हो चुकी है इसको जल से धोया जाता है ताकि इसमें से HCl का जो अंश है वो निकल सके। अब हमारे पास जो है वो ऐसी रेत तैयार हो गई है जिसमें कोई भी पोषक पदार्थ उपस्थित नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस रेत के अंदर पौधों को लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ पौधे तो ऐसे होंगे जिनको पानी में हम क्या घोल लेंगे, खनिज लवण, और इन खनिज लवणों को घोलकर इसे इस रेत में डालकर उनको तो सभी सुविधाएं दी जाएंगी उन पौधों को तो। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनको हम केवल क्या करेंगे, या तो एक ही खनिज पदार्थ देंगे या बहुत सारे खनिज पदार्थों की कमी कर देंगे और फिर देखेंगे कि इस पौधे की वृद्धि में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी वृद्धि अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही, हमने इसमें अगर पोटेशियम नहीं दिया तो इसकी वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा, हमने अगर इसे कैल्शियम नहीं दिया तो इसकी वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा, मैग्नीशियम नहीं दिया तो इसकी वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा। इन सब तरीकों की सहायता से यह तय किया जाता है कि कोई पोषक पदार्थ या कोई खनिज पदार्थ किसी पादप के लिए कितना ज्यादा जरूरी है और कितना ज्यादा जरूरी नहीं है, यह इस विधि के अंदर किया जाता है। लेकिन दिक्कत इसमें यह हो जाती है कि जो रेत है वो एक अच्छा माध्यम नहीं है, मतलब कि इसमें जो है वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं कम होती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम दूसरे पदार्थ को उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो क्वार्ट्ज हो या फिर एक नया पदार्थ जिसे कहा जा रहा है वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट जो है ये एक प्रकार का खनिज पदार्थ है जो कि जमीन से ही प्राप्त होता है। ये वर्मिकुलाइट जो है ये रसायन मुक्त होता है, मतलब कि इस पे रसायन से ये जल्दी से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो आजकल जो है वो रेत के स्थान पर किसका उपयोग किया जा रहा है, वर्मिकुलाइट का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखेंगे, वर्मिकुलाइट का उपयोग किया जा रहा है। और वर्मिकुलाइट के उपयोग करने की जो विधि है या जो प्रक्रिया है उसे कहा जा रहा है वर्मिकुलोपोनिक्स, मतलब कि इसमें पौधों को लगाने की जो विधि है या प्रक्रिया है उसे वर्मिकुलोपोनिक्स कह दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह से हाइड्रोपोनिक्स होता है जल संवर्धन तकनीक, उसी तरीके से वर्मिकुलाइट में पौधों को लगाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, वर्मिकुलोपोनिक्स। तो ये इस विधि में किया जाता है, कौन सी, बालू संवर्ध प्रयोग। दोबारा से समझ लो, समझ नहीं आई हो तो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेत लेंगे, उस रेत को HCl से धो लेंगे। फायदा क्या होगा HCl मिलाने से कि उसके अंदर जितने भी खनिज पदार्थ होंगे वो सब क्या हो चुके होंगे, नष्ट। फिर HCl की मात्रा खत्म करने के लिए उसको जल से धोएंगे वापस। फिर ये जो रेत तैयार हुई इस रेत में हम पौधे लगाएंगे। कुछ पौधे तो ऐसे होंगे जिनको खूब खनिज पदार्थ दिए जाएंगे सारे के सारे, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनको हम एक एक करके खनिज पदार्थों की मात्रा क्या करते जाएंगे, कम। जैसे कि एक पौधा था उसको हमने पोटेशियम नहीं दिया, दूसरा पौधा था उसको मैग्नीशियम नहीं दिया, कुछ पौधे ऐसे थे जिनको पोटेशियम मैग्नीशियम दोनों ही नहीं दिए, और फिर देखेंगे कि उनकी जो वृद्धि है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उनकी वृद्धि अब भी आसानी से हो रही है या उनकी वृद्धि में कोई ना कोई नुकसान हो रहा है। फिर उन सब चीजों को नोट करेंगे जिससे कि हमें यह पता चल जाएगा कि ये जो खनिज पदार्थ थे ये किसी पादप के लिए कितने ज्यादा जरूरी है। फिर दूसरी चीज, रेत जो थी उसमें दिक्कतें आने लगी, एक्यूरेसी नहीं आ रही थी, तो हमने क्या किया, बहुत सारे दूसरे माध्यमों को उपयोग करने लग गए, चाहे वो क्वार्ट्ज हो या फिर वर्मिकुलाइट हो। वर्मिकुलाइट क्या था भाई, ये एक जमीन से निकलने वाला ही पदार्थ है, प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, लेकिन इसका फायदा यह है
कि एक केमिकल से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो हमने इसमें पौधे लगाना शुरू कर दिया, और इसमें पौधे लगाने की जो विधि थी उसको क्या बोला गया, वर्मिकुलोपोनिक्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, ये थी बालू संवर्ध प्रयोग। अब हम तीसरी विधि को समझेंगे जिसका नाम है जल संवर्धन की कोशिश करेंगे, वो है जल संवर्धन प्रयोग। जल संवर्धन प्रयोग जो है इसे अंग्रेजी में कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, इस विधि के अंदर क्या किया जाएगा कि हम, कौन सी विधि है, जल संवर्धन प्रयोग या विधि, जल संवर्धन प्रयोग या विधि जो है इसके अंदर मुख्य रूप से किया क्या जाएगा कि हम ना तो इसमें मिट्टी का उपयोग करेंगे और ना ही रेत का उपयोग करेंगे, केवल और केवल किसका उपयोग करने वाले हैं इसमें, जल का। तो जो पौधे हैं उनको हम खनिज पोषक पदार्थ युक्त जल में रखते हैं। ठीक है, उनकी जो जड़ होती है उसको एक घोल बनाते हैं, एक विलयन तैयार करते हैं जिसमें सभी पोषक पदार्थ उपस्थित हों, और उस विलयन को पानी में मिक्स कर लेते हैं, और उसके पश्चात उसमें पौधे को जड़ सहित रख देते हैं। अब जड़ उसको और सारी चीजें तो मिल रही हैं पौधे को, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ऑक्सीजन मिलने के लिए एक उसमें पाइप डाल देते हैं, और उसे कहा जाता है एरोमीटर, जो उसमें जल की मात्रा का निर्धारण करता है। देखो यहां पर मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे इसको, ये एक पात्र है जिसमें आप अभिक्रिया करवा रहे हो, मतलब कि ये जल संवर्धन प्रयोग करवा रहे हो, इसमें आपने ये जल भर दिया, और इस जल के अंदर आपने जितने भी पोषक पदार्थ थे, उन सबको आप इसमें रख दिया, भाई, है ना। अब इसमें आप क्या करेंगे, पौधे को लेंगे, ये पौधा है हमारा, ये पौधे की जड़, ये पौधे की पत्तियां, ठीक है, ये जड़ है पौधे की, ये जल के अंदर डूबी हुई है। अब इसको सब चीजें तो मिल रही हैं, लेकिन कमी किस चीज की है, कमी है वायु की, इसको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक पाइप लेंगे इस तरीके से, और ये जो पाइप का टुकड़ा है इसको ये इसमें क्या उपलब्ध कराएगा, ऑक्सीजन, जिससे कि इसकी जड़ जो है वो श्वसन आदि की जो प्रक्रिया है उसको आसानी से कर सके, मतलब कि उनको जो भी कार्य करना है, जो भी आवश्यकताएं हैं वो आसानी से कर सके। तो ये विधि होती है। अब इसमें जो पोषक पदार्थ हमको बनाने हैं, ठीक है, तो वो पोषक पदार्थ जो है वो वैज्ञानिकों ने उसमें बताया हुआ है, उनके अकॉर्डिंग वो पोषक पदार्थ इसमें डालना है, जिसकी सहायता से जो निर्भरता है उसका अध्ययन आसानी से किया जा सके। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से तीन विधियां थी, जिसमें भाई हमने पादप भस्म का विश्लेषण विधि देखी, बालू संवर्धन प्रयोग देखा, और जल संवर्धन प्रयोग, हाइड्रोपोनिक्स, बालू संवर्धन और पादप भस्म का विश्लेषण। इन तीनों विधियों की सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई पौधा कितना आवश्यक है और कितना आवश्यक नहीं। ठीक है, अब ये तो इसमें था। अब हम अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम आपको समझाएंगे कि कौन कौन से जो पोषक पदार्थ हैं वो किसी पादप के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया, थोड़ी सी हो सकता है गलतियां हो ऊपर नीचे, तो उनको देख लेंगे। बाकी अगर समझ में आया है अच्छे से तो लाइक कर देना वीडियो को, साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।